हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देता हूं कि आप जैसे बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है, और इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बार बताया कि सर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताइए जिससे कि मैं समझ सकूं कि मैं क्लाइंट के पास अगर जाता हूं तो किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट से पूछने होते हैं और कौन कौन सी क्वेरीज हैं जो क्लाइंट की सामने से आती है, किस तरीके से आप क्लाइंट को पूरा ए से लेकर जेड तक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन करके अपनी क्लोजिंग्स को लेकर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताइएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजों के डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। सो फ्रेंड्स, इस डेमोन्स्ट्रेशन को पूरा देखिएगा और कमेंट पर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट से जिससे कि आप फाइनली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। जी बिल्कुल, कैसे राहुल जी? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, बैठिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अरे नहीं सर, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। सर मैं भी आपको काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी, तो आप बिजी रहते हैं तो अच्छा लगा, काफी मुश्किल है मिलना आपसे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट आपकी वीडियो, आपकी मैं अभी एक वीडियो चला रखी थी जो अभी आपने बिल्कुल नई कल एक जो वीडियो डाली है वही देख रहा था। अच्छा, बस कुछ बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं। हाँ, सो जैसे हमारी फोन पे बात हुई थी तो पहले तो आप पानी पीजिए। हाँ सर, मैं लेता हूँ। हाँ, कॉफी और कुछ लेंगे? नहीं नहीं बस, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो आपसे हमारा डिस्कशन हुआ था, जो मैंने आपको बताया था प्लान के बारे में, वो प्लान ओवरऑल बहुत बेटर है, ठीक है। एंड उसके मैं बेनिफिट तो इवन आज मतलब एक्सप्लेन करूंगा ही आपको, ठीक है। बट मैं आपको उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी फैमिली के लिए। बाकी सर आप बताइए कि मतलब आपको ओवरऑल क्या, किस तरीके की नीड है? नहीं, जैसे आपसे मेरी बात हुई भी थी, मुझे बस वही दो मेन चीज पूरी कर दीजिए। एक तो बेनिफिट्स क्या है, फ्यूचर में मेरे और मेरी फैमिली के इसको क्या फायदे मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी। बिल्कुल सही, जैसे मेरी फैमिली में मॉम है, एज्ड है, तो अब मैं उनका करवाता हूँ, अगर हो भी पाता है, नहीं हो पाता पहली बात। दूसरी चीज, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल इशू हो जाते हैं, तो मुझे पूरा प्रॉपर मिल जाएगा जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं, या फिर उसमें कोई मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, तो प्लीज एक बार आप मुझे ये सारी चीजें। सो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अभी किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस तो बहुत सारे हैं, टेक्सटाइल बिजनेस है और भी फैब्रिक्स के बिजनेस। ओके, तो बता दूंगा आपको। तो आप मेनली किसके लिए सर चाहते हैं बिजनेस, मतलब पॉलिसी? फैमिली के लिए चाहिए, मॉम डैड भैया भाभी और अपने लिए भी। अच्छा ठीक है सर, मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसा हमारा फोन पे बात हुआ था तो वही वाला प्लान मैं आपको एक्सप्लेन। I think आपने मेरा वीडियो भी देखा था उसके लिए। वीडियो मेरे आपसे बात ही नहीं हो पाई, बिकॉज कोई बीच में है नहीं। मैंने वो वीडियो देखा तो आपका नंबर फ्लैश हो रहा था। मतलब बेसिकली पॉइंट देखा जाए तो मुझे वो वीडियो अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ रूबरू बैठा। राइट, ठीक है सर। मैं बेसिकली हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट। आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है बेसिकली इंश्योरेंस की, बट आप जैसे लोगों को तो कर रहे हो, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। बस ठीक है सर, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो और अच्छे से। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर मैं बता देता हूँ, जैसे आपने बोला भैया भाभी के लिए, मदर और फादर के लिए, तो सर हमारे पास ना एक प्लान आता है जो कि एबीसी कंपनी का है। एंड इस प्लान को अगर आप लेते हैं ना सर, इसके बहुत बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो सर सबसे पहले मान लीजिए कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, सो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है सर इस प्लान के अंदर ना, आप जब भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं तो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी होता है सर, ठीक है। दूसरी चीज सर ये है कि जब भी मान लीजिए हॉस्पिटल में आप गए तो जो भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है, जैसे डॉक्टर फीस हो गई, नर्सिंग चार्जेस हो गए, ऑक्सीजन का हो गया, या कोई भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह का एक्सपेंसेस है, तो 100% कंपनी क्लेम करती है, मतलब 100% आपको मिल जाता है। ये रिटर्न्स में मिलता है? ये रिटर्न्स में मिलता है सर, ये पॉलिसी की वर्डिंग में आपको स्पेसिफिकली मिलेगा, सो आपको उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा सर, जैसे कि आप ही देख सकते हैं, सो जैसे इसके अंदर मान लीजिए जो टॉप फीचर्स हैं, एक आता है सर नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है, जैसे बेसिकली आपको मैं 20 लाख का पॉलिसी बता रहा हूँ, सो 20 लाख की पॉलिसी आपने ली, कल को आपका एक साल तक कोई भी क्लेम नहीं आता, ठीक है, तो आपका जो सेकंड ईयर है आपका 50% का नो क्लेम बोनस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब की पॉलिसी आपकी 20 लाख से 30 लाख हो जाएगी, राइट। और अगर आप सेकंड ईयर भी क्लेम नहीं करते हैं तो सर इसके अंदर एक फीचर है कि आप यहाँ पर 30 लाख की पॉलिसी आपकी 40 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब की 2 साल अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो आपकी 20 लाख की पॉलिसी 40 लाख में हो जाएगी और डबल हो जाएगी।
और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। तो सबसे मेन फीचर तो मेन बेनिफिट तो सर यही है सर। तो एक ये है सर, मैं आपको आगे बता देता हूँ। दूसरा सर इसमें आता है जैसे कि हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, आपको सिंगल रूम लेना है, स्टैंडर्ड रूम लेना है, डीलक्स रूम लेना है, सुपर डीलक्स लेना है, इवन सूट रूम भी लेना है, तो भी आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो होटल वाले सीन से, हाँ होटल वाला सीन हो गया सर। क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट देखिए आजकल हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, बिल्कुल है। तो आप अगर मान लीजिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट भी अच्छा चाहिए, राइट? डॉक्टर्स के साथ आपको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो इसीलिए कंपनी आजकल ऑल रूम कैटेगरीज को प्रेफर कर रही है। इवन कस्टमर भी ऑल रूम कैटेगरीज को प्रेफर करें कि मेरे को ऐसा प्लान मिल जाए जहां पर मुझे कोई भी चैलेंज ना हो, कहीं पर भी कैपिंग ना हो, मुझे अपनी पॉकेट से पे ना करना पड़े रूम रेंट वगैरह का। काफी सारी पॉलिसीज है जहाँ पे 1% का रूम रेंट कैपिंग होता है, बट इसमें नहीं है सर। तो स्पेसिफिकली मैं आपको वही प्लान दूंगा जिसके अंदर मतलब बेस्ट चीजें हैं, बेस्ट फैसिलिटीज बेनिफिट्स हैं, ठीक। इसके बाद सर इसमें आता है कोविड कवर। जैसे कि कोविड अभी आपको पता गया, तो कोरोना कवर पहले पॉलिसीज में नहीं होता था, बट अभी इवन सारी कंपनीज में डाल दिया है कंपनी, और ये 30 डेज के बाद आप कवर कर सकते हैं। मतलब 30 दिन का वेट लगेगा, तो 30 दिन के बाद आपको ये कवर मिल जाएगा। तो कल को अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और 30 डेज के बाद कोविड डिटेक्ट हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, राइट? दूसरा इसमें सर आप मान लीजिए रिस्टोरेशन ऑफ कवर होता है इस प्लान के अंदर, ठीक है। ये फीचर आपका किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर प्लान लिया, प्लान लेने के बाद आपका जो 20 लाख सम एश्योर्ड था, आपका 20 साल 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है किसी क्लेम को आपने यूज किया, तो आपको क्या बेनिफिट है, आप वही 20 लाख रुपए का दोबारा बेनिफिट ले सकते हैं पूरे साल में दोबारा से, दोबारा यूज कर। हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, वो आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। और इसके लिए कंपनी आपको सेम पर्सन, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप दोबारा से खुद भी क्लेम ले सकते हैं और सेम डिजीज के लिए भी ले सकते हैं। मतलब दूसरे डिजीज के लिए तो इवन ले ही सकते हैं, बट सेम पर्सन और सेम डिजीज भी कवर होती है। जितना मुझे पता है पहले पॉलिसीज में नहीं होता, पहले नहीं होता, एक बार डिजीज जो हो गई तो हम उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। आपने स्टडी की है तभी आपको। हाँ, स्टडी भी किया और फैमिली में हुआ भी है, तो वही होते हैं सर। सर देखिए आजकल जो प्लान है ना, देखो मैं कह रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे प्लान है, बट आपको एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो आज के हिसाब से बेटर फीचर बेटर बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि देखो आजकल बहुत सारे लोगों ने पॉलिसीज ले रखी है, वो कहते हैं मेरी 5 साल से चल रही है, 8 साल से चल रही है, बट वो 8 साल वाली या 5 साल वाली पॉलिसी आज के फीचर्स को कम्पीट नहीं करती। सो उनको एक बार चेक करना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज में आज के फीचर्स के हिसाब से वो सारे बेनिफिट्स हैं या नहीं। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपनी पॉलिसीज ऑलरेडी 5 साल 10 साल पहले ले चुके हैं तो आपकी पॉलिसीज के अंदर वो सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि वो सारे फीचर्स को कवर करने के लिए आपको अपनी पॉलिसी पोर्टेबिलिटी करानी पड़ती है, अपनी पॉलिसी के फीचर्स दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कराने पड़ते हैं। सो सर मैं आपको यही बता रहा था कि ये सारे जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। अगर आपकी पुरानी पॉलिसी है तो इस तरीके से आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद सर हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका फुल क्लेम पेड होगा आपके इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो आप एबीसी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, तो इस कंपनी का जो है इंश्योरेंस प्लान आपको 100% क्लेम मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक फीचर और होता है जिसको हम सेफगार्ड फीचर बोलते हैं। तो सेफगार्ड फीचर अगर आप लेते हैं तो आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम जो है वो भी आपके कवर हो जाते हैं, मतलब कि आपका ग्लव्स हो गया, सैनिटाइजर हो गया, तो इस तरीके की सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। ये चीज मैंने पहली बार सुनी है, बट ये नहीं करते हैं। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा आपका मान लीजिए कोई पुरानी डिजीज है, प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, पहले ट्रीटमेंट वगैरह हो चुका है, तो वो सारी चीज भी कंपनी 3 साल के बाद इवन कवर कर देती है। कंपनी ये नहीं कहेगी कि हम आपको ये प्रॉब्लम है हम कभी भी कवर नहीं करेंगे, कंपनी कवर करती है, बट वो उसका वेटिंग पीरियड मांगती है 3 साल का सर। तो आपको 3 साल बाद कवर मिलेगा तो बहुत बेटर ही मेरे हिसाब से है, ठीक है। बट एक चीज का इसमें सर ध्यान रखना है, जैसे हम कहते हैं सारी चीजें इसमें कवर्ड है, बट कुछ चीजें इसमें ऐसी भी है जो छोटी छोटी चीजें कवर्ड नहीं है, उसको भी समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है सर आई एंड डेंटल कवर, ठीक है। आई एंड डेंटल का कवर मतलब कि ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऑप्टिकल से रिलेटेड जैसे चश्मा लगवाना है, चश्मा उतारना है, ठीक है, लेंसेज लगवाने हैं, लेंसेज हटाने हैं, तो अगर उसका ट्रीटमेंट करना है या उसका क्लेम लेना है तो कंपनी क्लेम नहीं देती है सर, ठीक है। दूसरा डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको डेंटल ट्रीटमेंट का किसी भी इवन कंपनी में नॉर्मली नहीं मिलेगा, बट उसके लिए स्पेसिफिक प्लान्स आते हैं तो आप उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। सर इसमें सबसे मेन फीचर क्या है सर, आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस का जो पीरियोडिक हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर होता है, ठीक है, जो हेल्थ चेकअप जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल कवर्स,
तो उसके अंदर से आपको डे वन से बेनिफिट मिलता है। ओके, आप भी आज कराता हूं तो कल से आज पॉलिसी लेते हैं तो आप नेक्स्ट डे से पॉलिसी इशू होने के बाद से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराना है अपनी फैमिली के लिए अपने लिए तो ले सकते हैं। बाकी कंपनी में इवन किसी में एक साल दो साल तीन साल के बाद है यहाँ पे डे वन से, तो ये भी एक बेनिफिट है इसके अंदर। दूसरा सर, आपका यहाँ पर ऑर्गन डोनर, मान लीजिए कोई ऑर्गन है खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आप क्लेम ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरा बेनिफिट मिलता है 100% तक का, सम एश्योर तक का क्लेम मिलता है। 20 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा सर, एक इन पेशेंट केयर आता है। इन पेशेंट केयर के अंदर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में जाते हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं डिस्चार्ज होकर, ठीक है। लेकिन उससे पहले के कुछ एक्सपेंसेस आपने किए होंगे और उसके बाद के कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, विजिट किया, तो कंसल्टेंसी फीस हो गया, मेडिसिन हो गया, आपका रिपोर्ट्स वगैरह के एक्सपेंस हो गए, तो वो सारी चीजें आप कंपनी से रिइंबर्समेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और ये 60 डेज तक, मतलब कि 2 महीने पहले तक के सारे बिल्स आप कंपनी से रिइंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप अगर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करके वापस घर आते हैं तो उसके बाद 180 डेज तक के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर फीस है, रिपोर्ट्स है और इवन मेडिसिन है, वो सब आपका कवर होता है। और इवन इसमें सर एक चीज और होती है, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बोला इस ट्रीटमेंट के लिए आपको ये इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा, तो कंपनी आपको उस इक्विपमेंट परचेज करने के भी पैसे कवर कर देती है। ओके, तो वो समझना, हाँ वो समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कंपनी वो भी कवर कर देती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सर डे केयर ट्रीटमेंट। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट करके आप घर वापस आ जाते हैं, तो कंपनी वो भी कवर करेगी। ठीक है, इसको हम नॉर्मली इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो जो ट्रीटमेंट 24 घंटे से कम में हो जाते हैं तो वो सारे ट्रीटमेंट या प्रोसीजर जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो डे केयर कवर, डे केयर ट्रीटमेंट सारे कवर है, आपको कोई टेंशन लेने की बात। सर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे ना बहुत सारे लोग अपने घर पे रहकर ट्रीटमेंट लिया। बिल्कुल, ठीक है, सो यहाँ पर सर कंपनी होम ट्रीटमेंट भी कवर करती है। ठीक है, घर पे रहकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब उसके कंडीशन में आपको समझना है कि आपका क्रिटिकल इलनेस है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कस्टमर या पेशेंट जो है हॉस्पिटल नहीं जा पाता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे रहकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और जितने की पॉलिसी है उतने तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें सर कंडीशन ये है कि आपको 3 दिन घर पर रहकर ट्रीटमेंट लेना होगा और डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना होगा। ठीक है, तो आपको कंपनी क्लेम कर सकती है। इसके बाद सर आता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नॉर्मली क्या होता है कि सर मान लीजिए आपको आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोपैथी, इससे रिलेटेड अगर क्लेम लेना है तो नॉर्मली नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितना समय शुड है उतने तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा सर, हमारी कंपनी के जो है 8,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है पूरे पैन इंडिया में, आप कहीं से भी पॉलिसी ले रहे हैं और कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो सर आप बॉम्बे जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है, तो कंपनी आपको ये भी बेनिफिट देती है। ओके, एंड इसके अलावा सर मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए आप जैसे अभी अपने भैया के लिए देख रहे हैं पॉलिसी, तो कल को, हाँ भैया भाभी के लिए, तो कल को इसमें मान लीजिए चाइल्ड को किसी को ऐड कराना है, तो इसके अंदर 2+3 मतलब की 2 adult and 3 child तक पॉलिसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर फैसिलिटी होती है। दूसरा सर एम्बुलेंस कवर है। ठीक है, आपको इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लेकर जानी है तो कंपनी वो भी कवर करती है, इसके अंदर ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन तक का बेनिफिट मिल जाता है। ओके, ठीक है। साथ में सर इसमें आपको एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप अपने कैशलेस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका जितना समय शो 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए तक का आप एयर एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिइंबर्समेंट वाली पॉलिसी में जाते हैं, क्लेम में जाते हैं, तो 2.5 लाख रुपए तक का मिलता है सर। ओके, एंड इसका सर फाइनली एक जो बेनिफिट अभी बचा है वो है सेकंड ओपिनियन। ठीक है, सेकंड ओपिनियन का मतलब ये होता है सर, मान लीजिए कल को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है और आपने अपने किसी जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनको दिखाया और उनको दिखाने के बाद आपको पता लगा कि यार उन्होंने आपको बोल दिया क्रिटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी कंपनी की जो एक्सपर्ट टीम है उनसे बात कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो आपके किसी डॉक्टर ने बोला, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन कहाँ हो सकता है, बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है, कितने बजट में हो सकता है, तो उसके लिए हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट टीम है आपको गाइड करती है, तो इसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं। और एक साल में एक बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नॉर्मली आप किसी दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वहां पर आपका 5,000-10,000 रुपए का चार्ज लग जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एक साल में एक बार। ठीक है, तो ये जो मेन फीचर्स हैं इस प्लान के वो तो आपको सर मिलते ही हैं, एंड इसके साथ सर कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके।
मान लीजिए आप इनिशियल टाइम पे आज पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी लेने के 30 डेज तक आपको इमीडिएट कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, 30 डेज के बाद आपके कोई भी इमीडिएट क्लेम आता है, इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन टेक द क्लेम्स, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, कंपनी उसका क्लेम पे कर देगी। ये तो हर किसी को पता है, स्टार्टिंग से ये चीज रही है, तो बेसिक है, हर कंपनी के अंदर यही रूल है। और बस यहाँ पर ये है कि डे वन से आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट का कवर मिलता है, कल को एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है तो आप हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें सर एक वेटिंग पीरियड आता है, जिसको हर एक कंपनी के अंदर एक रूल बनाया हुआ IRDA है, जो कि 2 साल का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड बोलते हैं हम इसको, 2 ईयर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के लिए आपको 2 साल वेट करना होता है। यहाँ पर कुछ बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती है, जिसको 24 मंथ्स भी हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि स्टोन है, कैटरेक्ट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर इससे रिलेटेड आपकी और 15-16 डिजीज और है, तो वो सारे डिजीज आप 2 साल के बाद क्लेम कर सकते हैं। और हर एक कंपनी के अंदर सेम ही रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं इस कंपनी के साथ जाता हूँ, XYZ के साथ जा रहा हूँ, ABC के साथ जा रहा हूँ, तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे सबके साथ सेम स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड आपको बियर करना पड़ेगा, आपको इसको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। जैसा मैंने तीसरा आपको बताया था सर अभी पॉलिसी के बीच में भी, प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में भी, कि मैंने आपको बोला था कि सर इसके अंदर अगर आप प्लान लेते हैं और आपको पहले से कोई ट्रीटमेंट है, पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो सर यहाँ पर आपको 3 साल के बाद उस प्रॉब्लम का कवर मिलता है, तो आप उस चीज का कवर 3 साल बाद लेते हैं। ओके, तो सर जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये प्लान जो है मार्केट का सबसे अच्छा प्लान है, इसके अंदर कंपनी क्या कहती है, आपको रिटर्न में भी दे रही है, आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स का आपका क्लेम सेटलमेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 30 मिनट्स का क्लेम सेटलमेंट है, मैं आपसे यही पूछने वाला था। हाँ, बिकॉज लास्ट टाइम्स मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे ना 24 घंटे तक वेट करना पड़ा था। अच्छा, कि और मुझे उस हॉस्पिटल के अंदर ही बैठना पड़ा। ओके, क्लेम नहीं आया मेरा अभी तक। वो यही बोलते हैं, वही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पुराने प्लान्स के अंदर और आज के प्लान्स के अंदर यही डिफरेंस है कि कस्टमर को ना बहुत ज्यादा वेट करना या फिर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो कंपनी ने अपनी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ अपनी सर्विसेज को भी बेटर कर दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज देखो क्लेम हमें लेना है, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आपको अगर क्लेम लेना है और आपको सर्विस ना मिले तो आप उस कंपनी को रिकमेंड ही क्यों करें। तो कंपनी क्या देख रही है कि आज अगर आप प्लान ले रहे हैं, कोई भी कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट का सर्विस मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए, सो दैट आप कस्टमर को और ज्यादा लोगों को स्प्रेड करें अपने वर्ड्स के थ्रू उन कंपनीज के बारे में बताएं। yes, right? तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ सर। आपको जो प्रीमियम है अप्रॉक्स 22,000 का है 1 ईयर के लिए, ठीक है, एंड 22,000 के अंदर सर आपकी 20-25 लाख रुपए की, इवन आई थिंक ये, हाँ, 20 लाख रुपए की पॉलिसी आपको मिल जाती है। एंड इसमें आपको 20 लाख रुपए का बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका 20 लाख खत्म हो गया तो 20 लाख दोबारा मिल जाएगा, फिर 20 खत्म हो गया फिर 20 लाख दोबारा मिल जाएगा, तो आप साल में 10 बार भी 20-20 लाख करके यूज कर सकते हैं। तो सर ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब जैसा कि प्लान के बेनिफिट्स, वेटिंग पीरियड के ऊपर हमने बात करी, फाइनली एक पॉइंट आता है जो कि है एक्सक्लूजन, कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हम कवर नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब चीज कवर करेंगे। अब इसमें जैसे मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ, अब मान लीजिए एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ठीक है, आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो उस केस के अंदर आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी कवर नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए सर HIV है, आपका कंपनी कवर नहीं करेगी, ठीक है। कोई मेंटल डिसऑर्डर है, आपको कंपनी कवर नहीं करेगी। प्लास्टिक सर्जरी, आपको कंपनी कवर नहीं करेगी। मेटर्निटी है, आपको कवर नहीं करेगी कंपनी। OPD ट्रीटमेंट है, कवर नहीं करेगी। डेंटल है, कवर नहीं करेगी। इसके अलावा कोई वॉर रिलेटेड, आपका मान लीजिए 2 देशों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और आप जाके वहां पे इंजर्ड हो जाते हैं, तो कंपनी कवर नहीं करेगी। तो इस तरीके की बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कंपनी कवर नहीं करती, या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव है, ड्रग्स रिलेटेड है, कंपनी कवर नहीं करेगी। प्लस सेल्फ इंजरी, आपने करने की कोशिश करी, आपने सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो किया, तो वो सब चीजें कंपनी कवर नहीं करती। मतलब बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि हर कंपनी के सेम ही होते हैं। तो ये सारी चीजें सर इसमें, मतलब आपको इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, ये चीजें तो सर देखिए आपकी कंपनी वैसे भी नहीं करेगी, बस हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने इंटेंशनल बिल्कुल से। तो वो सब चीजें हैं सर, बाकी तो मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन बताया। तो सर इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप आज सोचेंगे कि मैं कल लूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ सर कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा सर, मुझे पता है सर जो आज करना है वो आज ही करना है। अभी मैं ऑफिस से बाहर निकलूं मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, मैं क्या होगा बताना चाह रहा हूँ कि कल को मेरे को एक क्लाइंट ने, जैसे आप हैं मैं आपके पास आया, ठीक है, मेरे को कल को एक क्लाइंट ने पूछा
कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है जब मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है, शायद आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उनको बस एक ही आंसर दिया, एक ही चीज बोली कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस तब लेना चाहिए जिस दिन कल आप अगर हॉस्पिटल में जाना चाहते हो आज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो सरप्राइज हो गया कि मैंने क्या बोल दिया। तो मेरे को मैंने एक्चुअली इसलिए बोला कि सर कल को किसी को नहीं पता कि कल को किसके साथ क्या हो जाए, राइट। सो मैंने उनको एक समझाने की कोशिश करी कि यार आपको आज की आज हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप यहाँ से अपनी बेनिफिट्स को क्लेम को कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी ना जाए। अब हो सकता है कि यार आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए बैंक में ना हो, बट आपको अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है और पॉलिसी है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, राइट। तो आप देखिए ना सर, 20-22 हजार में 20 लाख रुपए का कवर बन रहा है। तो सर इट इज अप टू यू, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ बट क्लाइंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप डिसीजन लीजिए, हम एक कनेक्शन एक रिलेशन भी बिल्ड हो जाए और आपके साथ एक सर फैमिली रिलेशन बनेगा तो सर हमारा भी फायदा ही होगा सर। फायदे की कुछ बात नहीं होती राहुल जी, बात ये होती है कि आप चीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एज अ बिजनेस पर्सन मैं यही चीज कहूंगा कि मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो प्रॉफिटेबल है जी, तो नो डाउट मुझे इसमें ना बोलने की जरूरत नहीं है आपको, गो फॉर इट करते हैं सर। ठीक है सर, मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस प्लान के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मेरे को ना कुछ डिटेल्स चाहिए आपको, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर आधार कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। आपका इसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका इनकम कितना है, ठीक है। इसके साथ आपके नॉमिनी किसको बनाना है पॉलिसी के अंदर, एंड यहाँ पर आपका जैसे हाइट वेट कितना है, ठीक है। आपके हैबिट्स क्या है, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह, मतलब ये क्वेश्चन है, डोंट माइंड, ठीक है। एंड प्लस कोई प्रीवियस डिजीज या ट्रीटमेंट तो नहीं ले रखा, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको एक फॉर्मेट है आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेल पे मुझे दीजिएगा तो आपको मैं पेमेंट लिंक जनरेट कर दूंगा, मतलब मुझे हार्डली आधे से एक घंटा लगेगा, मैं पेमेंट लिंक जनरेट करूंगा, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहें, और विद इन 24 आवर्स आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद तो सर आपको पता ही है कि कभी भी मेडिकल इमरजेंसी है और आप तो बैठेंगे सर। मैं तो सर हुई, मैं तो आपको पकड़ूंगा सर, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, मैं पॉलिसी नहीं पकड़ूंगा। मेरे को 8 साल हो गए सर इंडस्ट्री के, और मैं मतलब देखियो यहाँ पर बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे भी होते हैं जो ना पॉलिसीज कर देते हैं और क्लेम के टाइम पे ना भागते हैं। बिल्कुल सही, कस्टमर का क्लेम आ गया, मैंने इसलिए बोला मैं तो आपको पकड़ूंगा, पॉलिसी नहीं पकड़ूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर सर कस्टमर के क्लेम्स को सेटल कराने में ही बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार कस्टमर का क्लेम जाएगा तो मैं कल को उनसे रिकमेंडेशंस ले सकूं, उनसे रेफरेंसेस ले सकूं और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। सो मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान बेचने का या करने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ जुड़े और कल को कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम आपको सर्विस देते रहे सर, राइट सर। ये चीज है, बाकी तो हम मिलते रहेंगे सर। फिर मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ और फिर आप डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मैं पेमेंट लिंक जनरेट करके ये कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर देना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको किस तरीके से क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है, किस तरीके से आपको क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, क्या क्या चीजें आपको पूछनी है और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कस्टमर कहीं पर बाद में पूछता है, वो आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करनी है। जैसे कि क्लाइंट कहता है कि प्रीमियम ज्यादा है, क्लाइंट कहता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल कवर करते हो, क्लाइंट कहता है कि क्लेम सेटलमेंट कितना है, क्लाइंट कहता है कि आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हो, कौन कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल है जो कवर हो जाते हैं, क्लेम का प्रोसीजर क्या है। अगर आप ये सारी चीजें अपने प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर पहले से ही कवर कर देते हो तो आप सोचिए कि आपको इन तरीके के ऑब्जेक्शंस, ये सारे ऑब्जेक्शंस क्या आपको बाद में आने वाले हैं, शायद मैं बोलूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट तरीका था जो कि मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप क्लाइंट के साथ बैठ के प्रेजेंटेशन कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपने बिजनेस को 10x तक ग्रोथ करा सकते हो। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बी सेफ बी इंश्योर्ड, ठीक है। डन सर, यस सर, आप बैठो एक बार, मैं एक बार फिर बात कर लेता हूं, ठीक है। फॉर श्योर, जब तक आप डिटेल्स कॉफी या टी आपका करवाता हूं मैं ले लेता हूं सर, बाकी आप क्लाइंट डिटेल्स वगैरह आप मैं डिटेल्स भेजता हूं, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। हां जी, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर।